हो गया भैया, हो गया। इंग्लैंडियों का डब्बा गोल हो गया। 5 मैचों की सीरीज में पहला टेस्ट हारने के बाद भारतीय टीम ने सीरीज में ऐसा कमबैक किया है कि इंग्लैंडियों की सालों साल सूझी रहने वाली है। और ये जीत भारत के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि बिना कोहली, बिना शमी और बिना केएल राहुल के भारत ने इंग्लैंड को पीटा है। तो इंग्लैंड की सुझाने में किन किन भारतीयों का रहा सबसे बड़ा योगदान, इस वीडियो में वही बात करेंगे। आप भी कॉमेंट करके हमको थैंक यू बोल सकते हो, कंग्रेचुलेट कर सकते हो, और जो अवार्ड हमको मिला है वो हम आपको डेडिकेट करते हैं, तो उसे आप एक्सेप्ट भी कर सकते हो। जी हाँ, कल मोदी जी ने भारत मंडपम के उस स्टेज पर जब हमको अवार्ड दिया तो हमको उसे रिसीव करके बड़ी खुशी हुई। इसके ऊपर हमने अपने इंस्टा पर भी वीडियोस डाली है, रील डाली है, जाकर वहां भी जरूर देखना। और इस अवार्ड के हकदार आप भी हैं क्योंकि आपने वोट भी दिया, नॉमिनेट भी किया और हमारे काम को इतना पसंद भी करते हैं। इसके लिए क्रिको की पूरी टीम की तरफ से मैं यानी रौनक आपको बिग 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 थैंक यू बोलना चाहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में हम उन 9 रत्नों के नाम आपको दिखाएंगे जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में हर मोर्चे पर टीम इंडिया के लिए चितोड़ प्रदर्शन किया। हैदराबाद टेस्ट में मिली हार के बाद तो फैंस निराश हो गए थे, कहने लगे थे यार हम तो जीता जिताया मैच हार कर अब क्या घंटा जीतेंगे सीरीज। तो उन फैंस के मुंह में दही जमा दी रोहित शर्मा और उनकी टीम ने। और कौन कौन बने इस पूरी सीरीज के स्टार, आइए बात करते हैं। सबसे पहले यशस्वी जायसवाल, रनों का अंबार लगाने वाले यशस्वी के लिए ये सीरीज यादगार रही। भले ही एक भी मैच में यशस्वी ने मैन ऑफ द मैच का खिताब नहीं जीता, मगर मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड उन्हीं की झोली में आया। सीरीज में 2 डबल सेंचुरी, 3 हाफ सेंचुरी लगाकर उन्होंने टोटल 712 रन बनाए। लंबे समय से टीम इंडिया के एक अच्छे ओपनर की तलाश को उन्होंने खत्म किया। स्टार नंबर 2 शुभमन गिल, सीरीज के शुरुआती मौकों पर गिल का बल्ला भले ही चूका, मगर जैसे ही सीरीज आगे बढ़ी शुभमन का मन भी बैटिंग में लगने लगा। सीरीज में 452 बनाकर नंबर 3 की समस्याओं से टीम इंडिया को उन्होंने आजाद कराया। गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में लगभग 60 की एवरेज से 2 शतक 2 अर्धशतक की मदद से 452 रन बनाए और इंग्लैंड को सीरीज में वापसी का कोई मौका नहीं दिया। तीसरे स्टार रोहित शर्मा कप्तान, क्या ही बात करें इनकी, इनके नाम तो पूरी सीरीज रही। अपनी कप्तानी का जलवा दिखाना हो या बैटिंग के जरिए इंग्लैंड की बॉलर्स को उनका हुलिया बिगाड़ना हो, अपना हिटमैन पूरी सीरीज में सुपर हिट रहा। खासकर वाइजैक टेस्ट के दौरान गार्डन में मत घूम, इस लाइन ने पूरी सीरीज का मोमेंटम सेट कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने बल्ले से भी इंग्लैंड का खेल खत्म किया। कप्तान रोहित ने 5 मैचों की सीरीज में 2 सेंचुरी और 1 हाफ सेंचुरी लगाई, 400 रन बनाए। चौथा स्टार जसप्रीत बुमराह, हैदराबाद टेस्ट में हार के बाद भारत को एक जोरदार कमबैक की जरूरत थी। वो भारत ने वाइजैक टेस्ट में कमबैक किया जब बुमराह ने इंग्लैंड की जड़ हिलाकर रख दी। पहली पारी में 6 विकेट लिया, बुमराह ने भारत को जीत की राह पर लौटाया और इसके बाद तो इंग्लैंड की ऐसी अटीपटी की जय हुई कि भैया सीरीज में 0-1 की बढ़त के बाद वो सीरीज 4-1 से हार गए। पांचवां स्टार अश्विन अन्ना, धर्मशाला में उन्होंने 100वां टेस्ट पूरा किया और ये यादगार नहीं बनाया बल्कि पूरी सीरीज में वो टीम इंडिया के नंबर 1 बॉलर बने रहे। सीरीज में 26 विकेट लेकर अश्विन ने इंग्लैंड के नाक में लगातार दम किया, दिखा दिया कि इंडिया का काम बिना अश्विन अन्ना के फिलहाल तो नहीं चलने वाला। अपने 100वें टेस्ट मैच में 9 विकेट लेने वाले अश्विन मुरलीधरन के बाद दूसरे गेंदबाज बने हैं और ये कामयाबी उनके करियर में 4 चांद लगाएगी। अगला स्टार कुलदीप यादव, कई बार खराब फॉर्म या टीम संतुलन की वजह से कुलदीप को कई मैचों में ड्रॉप किया गया। इस सीरीज में भी कुलदीप 1 मैच नहीं खेले और जिस मैच में वो नहीं खेले वो मैच भारत हारा, मगर जैसे ही कुलदीप की टीम में वापसी हुई इंडिया ने जीत की राह पकड़ी। क्या खेला है उन्होंने इस पूरी सीरीज, क्या लगता है आपको कुलदीप के लिए इस सीरीज में? कई एक्सपर्ट्स ने कहा था कि उतना श्रेय नहीं मिल रहा, ये आप भी मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला स्टार जड्डू भैया, उनके आगे कोई बोल सकता है क्या? बैट से हिट, बॉल से सुपर हिट रविंद्र जडेजा भले ही सीरीज में बीच में इंजर्ड हुए और 1 मैच मिस कर गए, मगर जल्द ही फिटनेस हासिल करते हुए जडेजा स्क्वाड में वापस लौटे और इंग्लैंड की पुंगी बजा डाली। पूरी सीरीज में 232 रन बनाए और 19 विकेट भी लिए। अगला स्टार सरफराज, जी हां, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में 4 भारतीय खिलाड़ियों ने डेब्यू किया था जिनमें से एक सरफराज भी। डोमेस्टिक क्रिकेट में रनों की सुनामी लाने वाले सरफराज ने अपनी डेब्यू पारी में अर्धशतक जमाया और पूरी सीरीज में रन बनाते हुए नजर आए, वो भी ऐसी परिस्थितियों में जब इंग्लैंड मैच में हावी होने की कोशिश कर रहा था। सीरीज में 50 के एवरेज से रन बनाते हुए उन्होंने स्ट्राइक रेट भी 80 के आसपास रखा, जिससे यह कहना गलत नहीं होगा कि सरफराज काउंटर अटैक करने में यकीन रखते हैं और वही उनकी स्ट्रेंथ है। और अब अगला स्टार जो कि बनने वाला इस टीम का भी बड़ा सुपरस्टार, ध्रुव जुरेल। जी हां, ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में भारत ने कई कीपर्स को आजमाया, मगर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में ध्रुव को खिलाते ही लगता है कि भारत की चिंता भी दूर हो गई। आगरा के जुरेल ने राजकोट टेस्ट में डेब्यू किया और अपने टेस्ट डेब्यू में बेहद ही महत्वपूर्ण 46 रन बनाए, अपनी विकेट कीपिंग से भी सबको इंप्रेस किया। इसके बाद रांची टेस्ट में कमाल के 90 रनों की बदौलत जुरेल ने टेस्ट टीम में अपनी जगह कम से कम अगली सीरीज के लिए तो पक्की कर ली है। तो ये थे वो 9 रत्न जिनके दम पर भारत ने इंग्लैंड को रौंदा। इन 9 खिलाड़ियों में आप किसी और खिलाड़ी का नाम जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, कमेंट सेक्शन में बताना। तो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जीत आप सबको मुबारक। अब क्रिकेट का फॉर्मेट चेंज होगा और कुछ ही दिनों में चालू होगा IPL, तो उस पर भी करेंगे हम अपने इस चैनल पर बात और नोपो चैनल पर भी लगातार वीडियोस लाएंगे। फिलहाल जाएंगे और एक बार नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड मिलने की खुशी में मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा क्योंकि इसका क्रेडिट आप ही को जाता है। उस वीडियो के साथ छोड़े जाता हूं जो मोदी जी के साथ बातचीत हुई हमारी स्टेज पे, ठीक है? अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।